नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार मैथियन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा फैक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या के। तो ये कितने फैक्टर होते हैं और कैसे निकालते हैं, तो इसको बताता हूं आज। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लिखा 24, अब 24 के फैक्टर क्या क्या होते हैं। फैक्टर वो होते हैं जिसमें इस संख्या में जिस संख्या का भाग जाता हो। जैसे एक है, एक का इसमें भाग जाता है। दो है, दो भी इसका फैक्टर हो जाएगा क्योंकि दो का भाग जाता है। तीन है, तीन का भी जाता है। चार है, छः है और आठ है, बारह है और चौबीस। ये सभी संख्या है जिनका 24 में भाग जाता है, तो ये सभी इसके फैक्टर हो गए। तो ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 24 के कितने फैक्टर हो गए, 8। तो ये ऐसे निकालते हैं। लेकिन हम अगर हमें 100 दे दिया, 100 के कितने फैक्टर हैं, तो ये निकालना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा कैसे निकालते हैं। जैसे अब 24 के निकाले हैं मैंने 8, तो ये 8 कैसे आते हैं। तो 24 यहाँ रखते हैं और अब 2 का भाग देते हैं, तो 2 का भाग जाता है 12। फिर 2 का भाग देते हैं तो फिर जाता है 6। फिर 2 का भाग देते हैं तो 3। फिर 3 का देते हैं तो 1। तो हम 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। ये लिख सकते हैं हम 24 को 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। अब हमें फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर बराबर क्या होगा, फैक्टर्स बराबर क्या होगा, ये 3 है तो इसमें 1 ऐड कर दिया और इसमें भी 1 ऐड कर दिया और दोनों को गुणा कर दिया। तो 3 और 1, ये 4 हो गए और ये हो गए 2। दोनों को गुणा करते हैं तो 8 आता है। तो हमारे फैक्टर कितने आ गए, 8। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर हमें अब 100 का निकालना है, तो 100 का निकालने के लिए ऐसे ही करेंगे। 100 का निकालेंगे तो उसके लिए भी ऐसे ही करेंगे। जैसे 100 लिख दिया मैंने, 100 के निकालने फैक्टर कितने होंगे, 100 के फैक्टर क्या 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 होंगे ये नहीं पता लगेगा, कितने होंगे ये पता लग जाएगा हमें। तो 100 लिखते हैं, फिर 2 का भाग देते हैं तो 50, 2 का भाग देते हैं तो 25, 5 का भाग देते हैं तो 5 और फिर 5 का देते हैं तो 1। तो ये इसको लिख सकते हैं 100 बराबर 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तो अब इसके फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स बराबर 2 है, इसमें 1 ऐड कर दिया और इस 2 में भी 1 ऐड कर दिया, तो ये 3 गुणा 3। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 9। इस तरीके से हम फैक्टर निकाल सकते हैं। अब फैक्टर दो टाइप, अब ये हम देख रहे हैं ऊपर 24, अभी ऊपर 24 लिख रखा है, 24 में ये सभी फैक्टर हैं इसके, तो ये इवन भी है और ओड भी है। जैसे मैंने देखा 2, 4, 6, 8, 12 और 24, ये सभी इवन फैक्टर है। तो इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, हमें टोटल फैक्टर तो निकालना आ गया, अगर हमें इवन फैक्टर निकालना है तो 24 को अभी मैंने क्या लिखा था, 24 को लिखा था 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, ये लिखा था मैंने 24 को। तो इवन फैक्टर निकालना है, तो इवन फैक्टर क्या हो जाएंगे, इवन फैक्टर, अगर इवन फैक्टर निकालना है तो इसमें 2 की पावर होती है ना, उसको सेम लिख देते हैं जैसी होती है वैसा वैसा इनटू बाकी सभी की पावर। जैसे यहाँ 3 है, आगे फिर आएगा 5, 7, ऐसे कुछ भी, ऐसे ये प्राइम नंबर चलते हैं। तो यहाँ 3 की पावर 1 है तो उसमें 1 ही ऐड कर देते हैं, 1 ऐड किया तो ये 3 गुणा, ये कितने हो गए, 2 बराबर 6। तो यहाँ इवन फैक्टर कितने आ जाते हैं, 6। हम देख भी सकते हैं यहाँ 2, 4, 6, 8, 12, 24, ये सभी इवन फैक्टर हैं और कितने हैं, 6। अगर ओड फैक्टर निकालना है, ओड, तो हमें टोटल में से इवन घटा देते हैं, टोटल फैक्टर में से इवन घटा देंगे तो हमें ओड फैक्टर मिल जाते हैं। तो टोटल थे 8, उसमें से इवन घटा दिए 6 बराबर 2, तो 2 हमारे क्या आ गए, ओड फैक्टर, जो हम देख सकते हैं 1, 1 और 3 जो ओड फैक्टर है। अब दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में
जैसे मैंने लिखा है 48, तो 48 के आप नंबर ऑफ फैक्टर बताने, कितने फैक्टर होंगे और इसमें कितने इवन फैक्टर होंगे और कितने ओड फैक्टर होंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने आपको और इवन फैक्टर बताने और ओड फैक्टर, ये तीनों बताने आपको। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब। धन्यवाद।